सो हेलो गाइस, और हम आज बात करेंगे बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज दुर्गापुर, जो वेब जी की काफ़ी मनचाही कॉलेज है और बहुत ही बच्चे इसमें जाना चाहते हैं। बहुत बच्चे जा चुके हैं इस कॉलेज में। एक कमेंट है जो मुझे काफ़ी पसंद आई थी इसी चैनल पर, और वो मैंने बहुत पसंद आई थी। और उसके साथ उन्होंने नीचे ये प्रश्न भी किया था कि बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या एडमिशन लेना अच्छी बात है या फिर नहीं। तो गाइज़, ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया, तो आपको भी अगर ऐसा कोई वीडियो चाहिए या फिर ऐसे कमेंट कीजिए जिस पर आपको मुझे रिप्लाई देना है, तो फिर मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा। और चलिए गाइज़, और बात करते हैं एक नोटिफिकेशन। अगर आप मॉपअप राउंड की आपको वीडियो नहीं मिली होगी तो प्लीज़ गाइज़ आप जाकर चेक कर लीजिए, मॉपअप राउंड की वीडियो मैंने बना दी है। तो चलिए गाइज़ शुरू करते हैं इस वीडियो में, जानते हैं क्या बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज एक अच्छा कॉलेज है या नहीं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। Subscribe to Trickster Vivek and also press the bell icon for future video updates. सो हेलो गाइज, बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी ही पुरानी कॉलेज है और ये दुर्गापुर में स्टैब्लिश्ड है। कॉलेज की तो काफ़ी अच्छी बड़ी कैंपस है और सब कुछ अच्छा है, प्लेसमेंट्स कैसा है सब जानेंगे वीडियो पे। पर उसके पहले, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया है गाइज, तो प्लीज़ वो लाल वाले बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और दिस इज़ टोटली फ्री गाइज, टोटली फ्री। साथ में अगर आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे पर्सनली बातचीत भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, जैसे कि हम इस कॉलेज के बारे में जानने लगे, पर उसके पहले क्या आप एलिजिबल हो सकते हैं या नहीं, पहले कट ऑफ्स के बारे में बात करते हैं। तो यस गाइज, कट ऑफ्स क्या है इस कॉलेज की? तो गाइज, अगर आप ईसीई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जैसे कि हम बता रहे हैं, जो कट ऑफ्स है वो 2019 की है। सो इसमें 80,000 तक में ईसीई मिल रहा था और बहुत बच्चों ने एडमिशन लिया। साथ में अगर आप सीएसई चाह रहे थे तो 29,000 तक आपको रैंक करना था। मैं बताऊं कि इतनी कम कम रैंक क्यों चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज बेसिकली बहुत आउट है सिटी से, तो इस कारण से इसका ऐसा बातचीत है। और गाइस, अगर आप सिविल इंजीनियर चाहते हैं तो भी 80,000 से 85,000 तक आपको रैंक करना पड़ेगा। आपको अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो आपकी रैंक होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 76,000, और अगर आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए तो आपको होना चाहिए 78,000। फिर आपको अगर आईटी चाहिए तो आपकी रैंक होनी चाहिए अबाउट 50,000। सो गाइस, 50,000। तो जैसे कि हमने देखा, कट ऑफ्स कुछ ऊपर नीचे तो है ही। तो चलिए अब जानते हैं कॉलेज लाइफ के बारे में। तो गाइस, बड़ी सी कैंपस है, डिसेंट बड़ी कैंपस है, कॉलेज लाइफ भी बहुत अच्छा है। टीचर्स की सुनी है तो फैकल्टीज़ तो बहुत अच्छी है। और जहाँ तक बात रही आपकी लाइफ कैसी होगी, तो गुजरेगी तो अच्छी गुजरेगी। हॉस्टल्स में ही मैक्सिमम यहाँ बच्चे रहते हैं, क्योंकि ये दुर्गापुर सिटी पर से भी बहुत दूर है। और गाइस, पढ़ाई लिखाई के मामले में भी अच्छा कॉलेज है। तो अगर आपको इसमें एडमिशन मिल रहा है, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव चूजन अ वेरी गुड कॉलेज फ्रॉम मी। एंड सो गाइज, अगर आपको इसमें एडमिशन मिल चुका है तो आप प्लीज़ खुशी से पढ़िए, कॉलेज अच्छा है। प्लेसमेंट्स की बात करें गाइज, तो भी कॉलेज बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिकल में आपका इलेक्ट्रिकल, या फिर आपकी हो सके ईसीई, आपकी मिल गई आईटी या फिर सीएसई, तो आपकी प्लेसमेंट्स 100% श्योरिटी आपकी प्लेसमेंट लगेगी। आउट ऑफ 120 स्टूडेंट्स, 75 स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रिकल में प्लेसमेंट लग गई है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और ये बहुत ही कम कॉलेजों में ये देखा गया है कि इलेक्ट्रिकल की प्लेसमेंट इतनी ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से लग चुकी है। ईसीई की प्लेसमेंट की बात करें तो 90% लग चुकी है, सीएसई और आईटी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 90-95% लग चुकी है। तो ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है प्लेसमेंट्स के मामले में। हाईएस्ट पैकेज जो आज तक गया है, ये मुझे पूरी तरह ठीक से पता नहीं है, पर जहाँ तक मुझे पता चला है, एक साल ये 2017 या 2018 में फिर ये गई थी अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख के करीब। तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर एक आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप मैकेनिकल सिविल लेते हैं तो आपको एकदम बहुत ही अच्छे वाले बच्चे बनने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर चांसेस तो मिलेंगे आपको प्लेसमेंट्स में, पर गाइज प्लेसमेंट होने का चांसेस, मतलब बच्चों के कंपटीशन के हिसाब से कंपनीज बहुत कम आती हैं और कम ही बच्चों को रिक्रूट करती हैं। तो गाइज, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनना होगा, तभी आपकी प्लेसमेंट लगने की चांसेस है। इंटर्नशिप की बात करें गाइज, तो इंटर्नशिप में भी ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है, और डिसेंट बच्चे जो होते हैं पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे, 90-80% जो ला रहे हैं कॉलेज में, उनकी इंटर्नशिप की चांसेस मिलती हैं। अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाता है गाइज, अगर आप वहाँ पर पीपीओ ले लेते हैं, मतलब परमानेंट जॉब ले लेते हैं उधर, तो आपको बहुत ही अच्छी बात है। आपको तो प्लेसमेंट्स बैठने की ज़रूरत ही नहीं, आपकी पहले ही कंपनी
लग चुकी है। तो गाइज़ जहाँ तक बात रही कि अगर कॉलेज को हम रेट कैसे करें, तो गाइज़ अगर हमें रेट करना होगा इस कॉलेज को तो हम रेट करेंगे इसे 4 stars out of 5 सिंस इट इज़ लिटिल आउट। इसकी जो 0.5 stars है वो मैंने कट कर लिया क्या बोलता है इसके दूरी के वजह से और कट ऑफ्स के वजह से। पर गाइज अगर हम बात करें, अगर आप इस कॉलेज में चांस मिल चुकी है तो मैं कहूँगा कोलकाता भी कोई भी डिसेंट कॉलेजेस से कंपैरिजन, अगर एक एवरेज स्टूडेंट को कंपैरिजन करना हो दोनों कॉलेज में, तो गाइज उसके लिए दोनों ही कॉलेज ब्रिलियंट है, ठीक है। और ये कॉलेज में मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई ख़राबी चीज़ मैंने देखा। और जहाँ तक बात रही कि इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो भी ठीक ठाक है, लाइफ कटाने की अच्छी बात है। अगर पढ़ाई लिखाई के लिए अगर आप जा रहे हैं कॉलेज में और कुछ अच्छा करने का पहले से जोश्बा लेके जा रहे हैं, तो गाइज आपको इस कॉलेज में कोई नहीं रोक सकता, आपको मौके दिए जाएंगे। अगर हाँ, मैंने एक फेस्ट की बात छोड़ दी, अगर आप फेस्ट भी देख रहे हैं तो इसमें टेक्निकल फेस्ट, सरस्वती पूजा और छोटी छोटी फेस्ट होंगी, कल्चरल फेस्ट होंगी, जिसमें कि आपका लाइफ अच्छा गुजरेगा। तो गाइज एट द एंड 4 stars out of 5, कॉलेज इज गुड इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड यू विल गेट गुड प्लेसमेंट्स हियर। थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई कमेंट करना हो, मुझे जानना हो या मुझसे कुछ अच्छी बातें करना हो, तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स कीजिए वीडियो पर, साथ में सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जो टोटली फ्री है, और बेल आइकन को भी दबाइएगा। और अगर आपको इच्छा करे तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, साथ में मुझसे बातचीत करने का मौका भी आपको वहीं मिल सकता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। Subscribe to Trickster Vivek and also press the bell icon for future video updates.